गजब हिमांशु जी की तरफ से यूनियन बैंक पर आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। ये है राय खरीदारी करने की हिमांशु जी की तरफ से। आइए धर्मेश जी से भी जान लेते हैं उनकी 10 की कमाई का शेयर। धर्मेश जी बताएं सर। अनिल जी का कॉन्ट्रा बैट रहेगा, मेटल स्पेस से वेदांता पे बाई करने की सलाह रहेगी। देखिए ये सब कोर सेक्टर फेसिंग इंडस्ट्रीज है और मेटल की खपत होनी, आयरन और माइनिंग ये चलता ही रहेगा और इसकी यूटिलाइजेशन भी चलती रहेगी, तो काफी अच्छा स्टॉक में गिरावट आया है। क्यूटी नॉर्मली सिक्लिकल बेसिस पे इनका वीक रहता है बिकॉज मानसून के कारण बहुत सारे माइन सब खदानें बंद रहती है, वहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये जो सुस्ती छाया हुआ है इसमें और जो गिरावट चल रहा है यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना चाहिए। 230 से 40 एक ऐसा रेंज है जहाँ पर ये मुझे मेरे हिसाब से काफी वैल्यू बाई बन जाता है। तो इस गिरावट मतलब खरीदारी करके चले तो आने वाले दिनों में मतलब आगे मैं दिवाली तक का टारगेट यहाँ पर देना चाहूंगा 300 से 310 के आसपास का मिनिमम ट्रेडिंग बेट इसमें बनता है और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। चाहे तो आप 220 का एक स्टॉप लॉस ले लें और 300-310 के टारगेट के लिए से बाई करके चल सकते हैं। अनिल जी आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की आज बार बार जिक्र कर रहे हैं तो स्टॉक्स एंड टेक्निकल स्टडी में तो काम आता है, हमारे लाइफ में भी बेसिक रूप में काम आता है। आपने योगा पर जबरदस्त शो किया था तो अगर आप शीर्षासन करें तो वहां पर भी इन्वर्टेड शोल्डर हेड एंड शोल्डर ह्यूमन बॉडी का बन जाता है। तो ये हेड एंड शोल्डर आज बहुत ही जबरदस्त सबका फेवरेट पैटर्न लगता है सर। गजब मतलब आज तो ऐसा लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स की क्लासरूम में हम बैठे। जनवी जी धन्यवाद वेदांता रिकमेंड करने के लिए और 220 का स्टॉक लॉस 300-310 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको दिवाली तक के लिए आज से ये भी बनाकर चलना है। आइए बढ़ते आगे और कमोडिटी बाजार का एक्शन जान लें समझ लें। और एक बार हमारे साथ दीप तो है ही और नेहा जी भी आ चुकी हैं। नेहा जी भी आपको कमोडिटी बाजार के बाद रुपए की चाल पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन पहले दीप बताएं आज का एक्शन।